नमस्कार, आप देख रहे हैं द वॉइस न्यूज, मैं आपके साथ पलक। एमसीडी चुनाव में शानदार सफलता मिलने के बाद सांसद सुशील गुप्ता ने दिल्ली की जनता को किया धन्यवाद और अन्य मुद्दों पर भी की चर्चा। आइए देखते हैं क्या है उस वीडियो में। सबसे पहले मैं दिल्ली की जनता को बधाई देना चाहूंगा कि उन्होंने काम की राजनीति को चुना, नफरत की राजनीति को फेल करके भाजपा को दिल्ली के अंदर जीरो पे लाके खड़ा कर दिया गया। अरविंद केजरीवाल जी ने जिस प्रकार से शिक्षा, चिकित्सा, बिजली, पानी और अनेकों क्षेत्रों के अंदर जो काम किया है, एक रिकॉर्ड बनाया है, 6 साल के अंदर दिल्ली को बदला है, उसके विपरीत बीजेपी ने 15 साल के अंदर दिल्ली को कूड़ों का ढेर बना दिया। सफाई व्यवस्था जो बीजेपी के पास रहती है उसको बिल्कुल चूर चूर कर दिया, और बॉर्डर पर बैठे हुए किसानों के लिए सड़कों पर भालेनुमा कील गाड़ के अंग्रेजों से भी बदतर शासन की एक जो इनकी आदत है वो वहां पे लाके खड़ी कर दी। मैं बीजेपी को, नेताओं को ये कहना चाहता हूं कि जो आप कह रहे थे कि एमसीडी आने वाले चुनावों का सेमीफाइनल ये चुनाव है, तो सेमीफाइनल दिल्ली की जनता ने रिजल्ट दे दिया है, आपको जीरो पे लाके खड़ा कर दिया है। कम से कम 1 साल बचा है, कुछ काम आप दिल्ली की जनता के लिए कूड़े हटाने का कर दो, लैंडर पर रिश्वत लेना बंद कर दो, ताकि दिल्ली की जनता कुछ सम्मानजनक हार आपको आने वाले चुनाव में दे सके। ऐसे ही तमाम खबरों की जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहे। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें।